गुड आफ्टरनून, हेलो एंड नमस्कार। बहुत स्पेशल ये गाड़ी होने वाली है, मैं आपको वॉक ऑन करा देता हूँ। आपको पता चली गया होगा, इट्स नॉट BS6, ये BS4 है। नई टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई थी ना, ये उसमें ली हुई गाड़ी है। गाड़ी स्पेशल क्यों हो जाती है? ये नेक्सॉन डीजल है। अब मैं इस गाड़ी के स्पेशल होने का रीज़न बताता हूँ। ये गाड़ी 2 लाख प्लस हो चुका है, 2 लाख प्लस। कुछ यू बिलीव दैट? या जितने भी आप नेक्सॉन ओनर्स हो ना, उन सब के लिए गाइड हो सकता है, उन सब के लिए एक रिलैक्सेशन हो सकता है। 2 लाख गाड़ी चल गई है। अब आप लोग कहोगे यार कि 2 लाख गाड़ी चल गई है तो कौन सी बड़ी बात है ना, कि खर्चा भी तो आया होगा। ये मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूँ। 2 लाख गाड़ी चल चुकी है। सस्पेंशन का काम ज़ीरो, सस्पेंशन का काम इसमें नहीं हुआ है, और इसमें जो क्लच प्लेट वही चल रहा है, वो भी चेंज नहीं हुआ है ना। अमेजिंग। और ये जो हमारे ओनर हैं भाई साहब, हमारे प्रभात भाई, उनके चैनल का नाम है CarDimensions। आप लोग देख के उसको फॉलो कर लीजिएगा। 2 लाख चलाई, माइलेज कितना मिल रहा है? सिटी में 22-22। सिटी में देखो 20-22 का माइलेज मिल रहा है, और ऑब्वियसली हाईवे पे ज़्यादा मिलेगा। वो सब डिस्कस करने वाले हैं यार। इसका रीज़न हो सकता है, तरीका हो सकता है, उनको ही क्यों मिल रहा है। गाड़ी की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी देखिए, बहुत ही परफेक्ट है यार। इट्स इन वेरी गुड कंडीशन। अब ऐसा इतनी चल चुकी है कि यहाँ पे जो सीट कवर्स है ना, वो भी चेंज होने का टाइम आ गया इनका। गाड़ी इन्होंने अच्छी रखी है, गाड़ी अच्छी रखी है आपने। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब एक काम कर, 2018 की गाड़ी है, जब नई लॉन्च हुई थी उससे कितने महीने बाद? एकदम तो नहीं ली होगी, थोड़ा रुक के लिए, 2 महीने बाद आ गई थी वो। थोड़ा वेटिंग भी हो गया था इसमें, जब आई थी तो जैसे नेक्सॉन लॉन्च हुई है वैसे उन्होंने ले ली थी, बुक हो गई थी। फिर 2,08,000-9,000 चली है, 2,06,000 करीब चली गई है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू, वेट नहीं करते, पहले मैं गाड़ी चला के देखने वाला हूँ कैसे चलती है। चाबी तो ऑट, अरे भाई ये तो क्या है ना, हम गरीब लोग भूल ही जाते हैं कि यार स्टार्ट नाम की कोई चीज़ भी होती है। पहला एक्सपीरियंस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्टिंग में नो इश्यूज। बैटरी इसका चेंज हुआ, वही है, चेंज हुआ एक बार बैटरी चेंज हुआ, तो अगर में कोई इश्यू नहीं, बढ़िया चल रहा। आवाज़ थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है। और चलिए करते हैं शुरुआत, फर्स्ट गियर। अब मैं इसमें देखने वाला हूँ ना, सबसे पहली चीज़ जो महंगी चीज़ें होती हैं। इंजन इज फाइन, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो हम देखने वाले हैं कि इसमें क्लच प्लेट मैक्सिमम जो ना वेयर एंड टेयर पार्ट होता है, जैसे जैसे गाड़ी चलती है तो क्लच प्लेट बहुत होगा, देखा होगा आपने 20, 30, 40, 50, 60, 70 में चला जाता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि 2 लाख आपने कैसे क्लच प्लेट घिस दिया। और उसके बाद 2 लाख चल गया तो ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर तो होगा, लेकिन अब ये देखना ये है कि कितना वेयर एंड टेयर है, गाड़ी चलने में कैसी है, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पोर्शन है सस्पेंशन। सस्पेंशन जैसे जैसे वेयर एंड टेयर पार्ट है, जैसे जैसे चलते हैं, तो टाइम के बाद हो सकता है कि सस्पेंशन में काम आ जाए। वही देखने वाले कि सस्पेंशन कैसा है। फर्स्ट गियर लग गया, धन्नों को बढ़ाते हैं आगे। इंजन में तो कोई कमी ना है भाई, इंजन अभी भी रोर और जो पावर है ना वो फील कराती है। तो गाड़ी को चला ली है, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। क्लच का काम जो है मुझे लगता है काफ़ी चलने वाला है अभी भी। हाँ, शुरू में थोड़ा सा लगता है कि स्ट्रगल कर रही है, उसके बाद तो गाड़ी बढ़िया चलती है। और सस्पेंशन का काम इसमें फ़िलहाल नहीं है। आई डोंट नो कितना खींच पाओगे आप लोग। अभी तो शायद 50-60 तो मिनिमम चल जाएगी। 11 के आसपास की पड़ी थी, मतलब 10-80 11 लाख का उसमें टॉप मॉडल था, और ली थी मार्च 2018, मतलब आ तो पहले गई थी। रजिस्ट्रेशन मार्च 18 का है, और बस इतने की पड़ी थी उस टाइम के हिसाब से। काफ़ी फीचर अभी कितना क्लॉक हो गया है? 2,06,000 2,06,000। अब सबसे पहले ना, अगर ऐसा होता है तो सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, 2,06,000 में कोई काम हुआ आपका गाड़ी में अभी तक? नहीं, कोई काम नहीं, मतलब कोई मेजर इसमें काम नहीं हुआ। नॉर्मल सर्विसेज वगैरह, वही बैटरी चेंज हुई है अभी लास्ट ईयर, और बाकी तो टायर्स चेंज होते हैं। अथर्व आ जाना भाई यार। और ये इनके छोटे भाई हैं, कज़न है अथर्व। एंड मेन चक्कर क्या है ना कि ये एंथुजियास्ट हैं, इन्हीं से मेरा कांटेक्ट हुआ था। तो गाड़ी के बारे में काफ़ी रुचि रखते हैं ये लोग, कि गाड़ी क्या है कैसे, ने हर वीडियो देखते हैं, तो इनसे भी थोड़ा ओपिनियन जान लेते हैं। अब ये बोलते हैं हम, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि टाटा रिलायबल नहीं है वगैरह वगैरह, और लोग को पहले ये बता देते हैं कि कितनी गाड़ी आप ऑन करते हो अभी। टाटा की ये मतलब हमारे घर में ये शायद 27th कार है टाटा की। बिलीव मी, अब क्या है वो बताएंगे, एक ना 27 गाड़ी कौन रखता है यार। नहीं मतलब इन्होंने इवेंट लाइक हमने भी देखा है, इंडिका के टाइम से है घर में लाइक टाटा की कार्स, तो 9 या 10 शायद इंडिका थी, इसे 5 याद होंगी, मुझे 9 याद है। तो वो वाली बात है। और उसके बाद फिर इंडिगो, ECS, मांजा और सफारी, तो ये सारी गाड़ियाँ थी घर में। और कोई रीज़न था कि टाटा मतलब टाटा ऐसा कुछ नहीं था। बेसिकली बात क्या थी कि थोड़ा ट्रेवल का बिजनेस था, तो उसमें टैक्सी में लगानी थी गाड़ियाँ उस टाइम। तो उससे पहले लाइक वैन भी थी, एम्बेसडर भी थी, तो ये 800 भी थी, फिएट भी थी। फिर इंडिका का टाइम आया, तो फिर इंडिका ने एक्चुअली लोगों को सिखाया कि एवरेज कितना दे सकती है गाड़ी, डीजल इंजन का मज़ा क्या है और डीजल इंजन कितना एवरेज दे सकता है। तो इंडिका ने ये चीज़ सिखाई। अब लोग कुछ भी कहते रहे कि इंडिका क्या थी क्या नहीं, पर जिनके पास थी या जिन्होंने चलाई है वो आवाज़ें वगैरह, भाई मेंटेनेंस नहीं करवाओगे तो आपकी कार में आवाज़। हमारे इंडिका ने कभी चू 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 नहीं क्योंकि काम होता था। मेड इन इंडिया कार थी, मतलब पहला ट्राई था टाटा की तरफ से भी डीजल इंजन बनाना उसको कार। फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट था यार। गाड़ी क्योंकि ना मार्केट में अगर कोई चलती है गाड़ी, बहुत सारी दिख रही है, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि उस गाड़ी में कुछ ना कुछ है, या तो माइलेज दे रही है, गाड़ी अच्छी है, सर्विसेज कम है, इसलिए इंडिका चली भी थी। अब देखो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है तो वहाँ पे नेगेटिव करने वाले भी होते हैं, तो लोगों ने बात भी की थी। एक ये दूसरा टॉपिक है, हम एक ना दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं उसके बारे में। तो फिलहाल अभी आपके पास इनके पास नेक्सॉन है, होंडा सिटी है और थार है, हाँ, और एक एस्पायर है, 4 गाड़ी है। टिगोर अभी मतलब अभी रिसेंटली CNG फिट करवाई है, पेट्रोल थी। सबसे लेटेस्ट गाड़ी थार है शायद अपनी, हाँ, थार ही चला रहे हो। अब उसका वीडियो भी आएगा। मैं इनसे एक ही सवाल पूछने वाला हूँ, थार ही क्यों? देखो हर किसी को पता तो होता है, मैं अगर कोई गाड़ी में 10 लाख 15 लाख रुपये डालना हूँ, रिसर्च करूंगा, और मुझे पता है कि टाटा इज़ अ बिग नेम, और जैसे और कंपनीज है उनकी तरह कल के दिन कुछ भी होता है तो टाटा विल स्टे, है ना। जो और कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, शायद चली जाए, लेकिन टाटा यहीं पे रहेगी, हो सकता है लगा रहे, पर टाटा यहीं रहेगी। तो रिसर्च करने के बाद मैंने गाड़ी ले तो ली, लेकिन एक अंदर से थोड़ा दुविधा तो होती है कि यार गाड़ी कितनी चलेगी, क्या होगी, बहुत सारे सवाल हमने भी एक्सपीरियंस किए हैं, लोगों के भी एक्सपीरियंस हम देखते रहते हैं। तो ये गाड़ी जब देखी ना मैंने, ओडोमीटर पर 2 लाख प्लस चली हुई है और कोई काम नहीं हुआ, तो मुझे एक अंदर से ना एक क्या बोलते हैं, सुकून मिला। तो शायद आप लोग जो भी ओनर है नेक्सॉन, आप लोग को भी ऐसा लगेगा, तो थैंक्स फॉर दैट, क्योंकि आप ना एक मोटिवेशन और एक क्या कहते हैं आशा जगा रहे लोगों के दिल में कि आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। वेरी गुड। और अभी तक जो सर्विस चार्जेस हैं आपको नॉमिनल कितने पड़े? मतलब अब तो जनरली मतलब बाहर भी ऐसा होता है कि बाहर भी करवा देता हूँ मैं, और बाकी मुझे सर्विस कॉस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे सर्विस सेंटर पे ही हुई है। तो मैक्सिमम मुझे जो याद है, जिस बार ब्रेक शू वगैरह चेंज होते हैं उस बार शायद 8-8,500 बस, उससे ज़्यादा तो ये थोड़ा पीछे वाला ये 2,500 का है। तो अब ये चीज़ तो ये खैर अभी पहली बार ही बदला है। अच्छा, अभी तक लाइनिंग्स वगैरह भी चेंज नहीं हुई है इसके जनरल। आगे देखेंगे डिस्क में तो काफी लाइंस है, मतलब वो भी ग्राइंड नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, अभी देख लेते हैं। ये देखिए अभी ये सेम आपका चल रहा है रोटर, ये अभी काफी चलेगा, अभी ये काफी चलेगा अभी तक, और इसकी मतलब कोई शेपिंग वगैरह भी नहीं करवाई है। तो आपको क्या लगता है ये गाड़ी कितनी खींच लेगी आपकी? खींचनी हुई अगर निकाली नहीं तो हो सकता है 6 भी चले 7 भी चले जनरली, इतना आपको होप है। हाँ होप है, पर वो है कि अब गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो फिर अब मतलब और भी गाड़ियाँ आ गई, तो अब ये थोड़ा वैसे भी कम चल रही है, तो वो वाली बात है। और सबसे बड़ा जो है ना आपका माइलेज, यार मैंने ओडोमीटर पे लास्ट बार भी जब मिले थे हम लोग देखा था मैंने, इस बार भी देखा आपका 21-22 का इसमें माइलेज, जो आपके सिटी में चलिए, हाईवे पे 25 से ऊपर का मिल रहा है आपको। हाईवे पे तो वो वाली बात है, कैसे कर लेते हो आप? लाइट फुट चलाता हूँ मैं एक तो, और कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, वो चीज़ें लोग समझेंगे तो शायद उन्हें भी बेटर माइलेज मिलेगा। मैंने देखा है इनको, क्योंकि गाड़ी जब वहाँ से यहाँ तक आए ना, तो ब्रेकर पे हमेशा एक भी ब्रेकर ऐसा नहीं था जहाँ पे उन्होंने गाड़ी को बिल्कुल तेज़ लगा, ब्रेकर पे बिल्कुल आराम से लगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और जैसे ब्रेकर पे पिक करते हैं लोग तो सेकंड गियर में पिक कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं, फर्स्ट पे ही आना चाहिए, क्योंकि इंजन को आप लग करा रहे हो ना, स्ट्रेस दे रहे हो इंजन को। तो लोगों को लगता है डीजल इंजन है सेकंड में, लोग पेट्रोल भी उठा देते हैं सेकंड में, तो नहीं करना चाहिए। तो अभी तो पता नहीं चलेगा हाँ, लेकिन लॉन्ग टाइम में यही चीजें फर्क डालती हैं। मेरी गाड़ी सेकंड गियर में उठ गई, चलो कोई अभी तक इसकी लाइफ चल रही है जो अभी कंडीशन है इस हिसाब से, तो लगता है कुछ पता ही नहीं चल रहा। मतलब आप थोड़ा बहुत अगर इसमें एक्सटीरियर जो भी ऐसा तो कुछ है नहीं, ये भी अभी रिसेंटली ये सब तो जनरल में। यार मैं आपको बोलूं जनरली बाहर से पेंट वगैरह इट्स इन गुड कंडीशन, गाड़ी देखो धुली नहीं है, जब धुली थी मैंने देखा था। इंटीरियर बहुत अच्छी कंडीशन में है, इसमें अगर एक बार सीट कवर चेंज हो जाए तो ये गाड़ी नहीं हो जाएगी। जब आई थी तो इसके सीट कवर भी नहीं मतलब अवेलेबल थे कि ये कौन सी गाड़ी है। रैटलिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो हुई है, आती है। वो अच्छा। तो होनी है क्योंकि बहुत खराब भी है, मुझे नहीं लगता इतने खराब रस्तों पे मतलब पुरानी जनरेशन थार भी है मेरे पास, तो मुझे नहीं लगता वो भी चलाई है इतने खराब रस्तों पे जितनों पे ये चली है। ये ज़्यादा खराब रस्तों पे चली है, तो उसका रीज़न है। मैं इसके लिए टाटा का कोई वो नहीं है कि टाटा इसलिए बज रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यार आपका ना सोच, क्योंकि ना देखो अगर आप गाड़ी को नॉर्मल सिटी रोड पे ही चला रहे हो तो रैटलिंग का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे आपकी खराब रोड पे चलेगी गाड़ी के पार्ट्स जुड़े हुए हैं, कंबाइन कर प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक का रैटल करना बनता है। अब नई थार है मेरी, उसमें रैटलिंग नॉइज है अभी से, तो उसे मैं क्या कहूँ भाई, रूफ टॉप भी आपका प्लास्टिक का भाई बजेगा ही। वो BMW मर्सिडीज में भी रैटलिंग हो जाती है एब्सोल्युटली, और खराब रस्तों पे ले जाओगे तो होएंगी। उसका प्राइस देखो, प्राइस देखिए। सभी लोग सोच रहे हो ना, जो जो मुझे पहले से फॉलो नहीं करता ये सब टाटा फैन है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ब्रांड्स की भी गाड़ियाँ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ, या तो फिर शायद दो चार लोग ऐसे जरूर होंगे वो कह रहे होंगे टाटा ने इनको पैसे दिए हैं। यार ऐसा नहीं होता, जेन्युइन था। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग, शायद 100 में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको गाड़ी में इश्यूज आए हों। यार हो सकता है क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है। अब वहाँ पे मैं टाटा को बोलता हूँ कि अगर किसी को ऐसा आता तो उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी तरह, उनको ना हैंडल अच्छी तरह करना चाहिए, वो सर्विस पार्ट नहीं कर पा रहा है। तो सर्विस का आपका क्या कहना है, सर्विस सेंटर्स वगैरह आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि एक तो फ़र्क पड़ता है जब आपको नॉलेज थोड़ी कम हो तो हो सकता है उन लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। वो चीज़ आपको हर ब्रांड में मिलेगी, ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टाटा के साथ ऐसा है। ओनर आपको कुछ नहीं पता तो आप ओनर्स मैनुअल चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करवाइए। अब उन्होंने कह दिया भाई नई गाड़ी है 2000 चल के, ये फर्स्ट सर्विस हो रही है 5000 पे, उन्होंने एग्जॉस्ट क्लीन होना है, इंजन क्लीन होना है, ये सब चीज़ें। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर मैन्युफैक्चरर के साथ है। सर्विस सेंटर पैसा कमाने के लिए है, तो ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। एक बार चेक कर लो, मैनुअल चेक कर लो, और एक TMSC नाम का एप्लीकेशन आता है टाटा का, उसको डाउनलोड कर लो। एग्जैक्टली बता देता है कि नेक्स्ट सर्विस कब होनी है और कितने चार्जेस पड़ने हैं। हाँ, मेरे फ्रेंड के पास ऑल्टो केटन है, तो उसके भी 8000 बैठा दिए थे, उसका फोन है। फिर उसे जॉब कार्ड का फोटो भेजा उसने, तो उससे मैंने कटवाया। प्रोडक्ट की बात करें तो अनमैचेबल है एज अ प्रोडक्ट, कोई इशू नहीं है। आपको मतलब थोड़ा ट्रस्ट अपने ऊपर भी रखना पड़ेगा और अपनी गाड़ी के ऊपर भी रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है। जो शुरू में आई थी थोड़े बहुत इश्यूज देखो हर आते हैं, उसके बाद वो फिक्स हो गई थी, बढ़िया चल रही थी। उसके बाद BS6 आया, तो जो पेट्रोल इंजन्स हैं उसमें एक दो इश्यूज आया था, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं इंजन लॉक हो जाता था वगैरह वगैरह, वो इशू फिक्स हो चुका है ना, और कोई इश्यूज नहीं है। सिर्फ डीजल इंजन की बात करें तो BS6 का अभी जो DPF वाला चल रहा है, बहुत समय से सुना नहीं है, 2-3 महीने पहले बहुत कोई इशूज़ आ रहा था, हाईवे में भी रन है सब कुछ है, उसके बाद भी ना उनको DPF का इशू आ रहा था, वो सब है। मुझे लगता है एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद भी वो सब चीज़ें ना फीडबैक वगैरह करके वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद एक परफेक्ट गाड़ी बनने वाली है। थैंक यू प्रभात एंड थर, रियली अप्रिशिएट दैट, और आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय।